चित्रकूट में मतदान की हुई शुरुआत, सुबह 9 बजे तक 9.56% हुआ मतदान। बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल ने पत्नी के साथ किया मतदान। लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, खास तौर से युवा घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सशक्त नगर की सरकार बनाने का काम करें। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल शहर के शंकर बाजार स्थित बीआरसी मतदान केंद्र पहुंचकर सब परिवार मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने जनता से बढ़ चढ़ करके मतदान करने की अपील की। इसके पूर्व ट्रैफिक चौराहे के पास कंपोजिट विद्यालय नया बाजार व पुरानी बाजार के राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन स्कूल के पिंक बूथ में सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिला। वहीं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में भाजपा प्रत्याशी का होर्डिंग लगे होने का विरोध करते हुए हंगामा किया तथा तत्काल हटाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, प्रशासन की शहर पर समाजवादी पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड कल रात को दिया गया है और उन्हें शहर में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र का पर्व है और मेरी आम आवाम से आग्रह अनुरोध है, समस्त लोकसभा के, समस्त प्रदेश के, जहाँ जहाँ हमारा मतदान हो रहा है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में सभी आवाम से अनुरोध है, इस लोकतंत्र के पर्व पर सब लोग घरों से निकल करके और मतदान करें, जोरदारी के साथ मतदान करें। ये बहुत हमारा खुशी का आज त्यौहार का दिन होता है मतदान का। हमें मतदान से ही हमारा लोकतंत्र का ढांचा खड़ा होता है। जो हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, इस देश की पंचायत, प्रदेश की पंचायत और नगर की पंचायतों पर, गाँव की पंचायतों पर जो लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से लोग चुनते हैं, तो मेरा आम आवाम से अपील है, अनुरोध है कि सब लोग निकल करके घरों से और अपने मत का प्रयोग करें और सच्चा अपना जो जनसेवक है उसको चुन करके भेजने का काम करें। लोकतंत्र में हमारा अपने अधिकार का प्रयोग करें। युवा मतदाता जो पहली बार मतदान में भाग ले रहे हैं, उनसे भी अपील है कि बढ़ चढ़ करके सब लोग हिस्सा लें और घरों से निकल करके सभी साथी, जो भी घरों में, चूँकि गर्मी का दिन है तो लोग थोड़ा सा निकलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन ये पर्व है हमारा। जैसे देवी देवता के मंदिर में हम जाते हैं तो इसी तरह से हम अपने मतदान केंद्र तक आवें और इस पर्व में सब लोगों से अपील है कि भाग लें। नाम है समीम खान। समीम जी, क्या व्यवस्थाएं यहां प्रशासन की ओर से की गई हैं? प्रशासन की ओर से सब सही है, लेकिन छाया नहीं है कुछ। तो क्या कहेंगे आप, जो है कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि यहाँ कुछ जो लेडीज वगैरह हैं और आदमी है, इतनी धूप होने के कारण यहाँ कम से कम कुछ जगह ठंडे की व्यवस्था होती तो वोट इससे ज्यादा भी पड़ सकते। तो कैसी दिक्कतें हो रही होंगी? दिक्कतें ये धूप में खड़ा आदमी कोई आएगा कोई नहीं आएगा। तो तैयार है, देखो अब ये देख लिया जो ना आप भाई, ये सब बाबू जी लोग मानवर साहब लोग कहते हैं हाथी भी तो बूढ़ा है। नहीं, हाथी बहुत चारा है, उसकी जोहार ना बहुत है, लेकिन चाल चुकी हाथी भारी होता है तो चलने में थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो 5 साल चलते चलते लग गया तो नहीं, ऐसा नहीं है। या इस बार जो हाथी आया है, मैं छोटा मानवर कांसी राम हूँ, ये मान लीजिए कि उस मिशन को इतनी तेजी से बढ़ाऊंगा, यहाँ इस शहर के विकास को महीना दो महीना के अंदर, मैं कुर्सी में बैठे हूँ कि महीना दो महीना के अंदर पूरे समाज के लोग या कहीं कहाँ लगी हैं कि जौन है ऐसा है या गदेल कहाँ रहा है, कैसे आप चला पाएंगे? क्योंकि बताया जाता है सपाई आपके एकदम करीबी हैं, सपा आपके परिवार में घुसा हुआ है। तो भाई जहाँ घूमने रिश्ते हैं तो वो तो नहीं खत्म किए जा सकते, लेकिन कहीं अगर आप जीत गए तो आप हो सकता सपा में बाद में ले जाए। देखिए मैं ऐसा कहे आप कह रहे हैं श्रीमान जी, क्योंकि मैं अभी इसके पहले वो सांसद विधायक रहे, रिश्तेदार हैं भाई, नियुक्ता हकारी तो होते हैं, आना जाना रही उनकी विचारधारा, वो उनकी पार्टी की है, मेरी विचारधारा मेरी पार्टी की है। मैं जी हाथी चल रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। हम उसको तो लगता है कि यहाँ जो है जैसे 60% 60,000 वोट पड़ेगा तो 50 मेरा खुलेगा, 10 में सब रहेंगे, बहुतों की जमानत जब्त हो जाएगी, पता नहीं क्या हाय होगा जनता का। प्रमाण पत्र तो मिलेगा अभी, आपको कहाँ जा रहे हो? पहले मतदाता हो ना, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा ना अभी। अच्छा ये बताइए, कुछ मुद्दों पे आप नहीं पा रहे हो, यहाँ क्या अपील करेंगे? क्योंकि आप पहले मतदाता है तो ये नहीं पता उम्मीदवार कैसे अच्छे काम करें।
क्या और लोगों से अपील करेंगे तो आप थोड़ा से पहले मतदाता बने और लोगों से मतदान भीड़ नहीं लगाने दिया जा रहा और जिस तरीके से कल रेड कार्ड भी जारी किया तो क्या लगता है कितनी बड़ी ये प्रशासन कुछ नहीं प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे डर गई है। ये खुलेआम हम लोग के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन के सह पर और उसका एक सीधा साधा जागता आपने कल देखा है रेड कार्ड जो उन्होंने नोटिस किया और दूसरा इन्होंने ये किया। अगर आप देखेंगे आप उधर कैमरा अगर मैं आपसे कहूंगा एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए सीधा सीधा इन्होंने जो 20x20 का पोस्टर लगा रहा है इसको तत्काल रूप से हटना चाहिए। बिल्कुल सब सह में चल रहा है। कल रात प्रशासन ने लोगों को रेड नोटिस दे दिया हमारे सभाओं के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है ये तो बहुत गलत है। सरासर प्रशासन मनमानी कर रहा है अपनी यहाँ पर इसका सीधा सीधा इसको तत्काल रूप से यहाँ हटवाना चाहिए। कल भी आवाज़ उठाई गई थी सारे सोशल साइट में ये पूरा बैनर घूम रहा है पूरे बीजेपी के चाहे चित्रकूट हो चाहे करवी हो इसको तत्काल रूप से हटना चाहिए। मैं आप लोग के माध्यम से प्रशासन को यही बताना चाहता हूँ कि तत्काल रूप से इस बैनर को हटाया जाए। हिमांशु गुप्ता जिला प्रभारी समाजवादी पार्टी। उपल नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं आंखों की जांच डेंटल सर्जन आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल डॉक्टर जयती उपल डॉक्टर वीना उपल डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम शंकर विहार बैंक कॉलोनी मथुरा।